बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। टॉपिक हमारा है पैरेंटल। आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस हो रहे थे। आउटपुट डिवाइसेस में एक हमने आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया है डिस्प्लेस के लिए, सच एज मॉनिटर। इसकी टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस पैरेंटल। डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात दोहराता जाता हूँ, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। आउटपुट दो किस्म की होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ऐसी आउटपुट जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। और ऐसी आउटपुट जो पेज के ऊपर प्रिंट हो जाती है, जिसको हम छू सकते हैं, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंटर, और प्रिंटर हमारा है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर पेज प्रिंट करता है। और प्रिंट जो प्रिंट पेज हो जाता है, जो डाटा पेजेस के ऊपर प्रिंटेड होता है, वो हार्ड कॉपी में आता है और उसको हम छू सकते हैं। तो प्रिंटर की डेफिनेशन भी यही है कि प्रिंटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरी बात, हाँ यहाँ पे मैं ये डिस्कस करता जाता हूँ, तो बताता जाऊँ कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो कैसे चेक की जाती है, वो कैसे पता चलती है। यहाँ तक ये बात, प्रिंटर की क्वालिटी का जज करना, पता करना प्रिंटर की DPI से होता है। DPI डॉट पर इंच। जिस प्रिंटर की DPI ज्यादा होती है वो प्रिंटर अच्छे पेज, अच्छी क्वालिटी के पेज प्रिंट करता है। डॉट पर इंच ये यूनिट है, प्रिंट पेज प्रिंट क्वालिटी का यूनिट है DPI। और ये आमतौर पर प्रिंटर के ऊपर लिखी होती है, जब हम प्रिंटर परचेज करते हैं साइड पे इधर उधर पेज पे DPI 500 DPI 800 1000 1200 DPI। ये नहीं कि आप शक्ल देख के आप कहेंगे ये अच्छा प्रिंटर है, या जो है वो किसी मतलब वो मुख्तलिफ वे से वो इफेक्टिव करता है शेप के लिहाज से या इस तरह। नहीं, एक अच्छा प्रिंटर जो है वो होता है जो अच्छे पेज प्रिंट करता है। और अच्छे पेज प्रिंट करने की जो जो चीज़ है, अच्छा पेज प्रिंट करने की जो जजमेंट की जाती है, वो उसकी DPI से की जाती है, ना कि शक्ल से की जाती है। आप जिस प्रिंटर की DPI ज्यादा हो, आप ये जज कर सकते हैं कि वो अच्छे पेज प्रिंट करेगा। एक प्रिंटर की DPI 500 और दूसरे प्रिंटर की DPI 800 है, तो अच्छे पेज प्रिंट कौन सा करेगा, जो 800 DPI वाला है, क्योंकि वो पिक्सल ज्यादा देगा ड्यूरिंग प्रिंटिंग, और जितने ज्यादा पिक्सल आएंगे वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं कि ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। मुख्तलिफ शेप के होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी जो है एक प्रिंटर की, वो जज की जाती है प्रिंटर की DPI से, डॉट पर इंच ये यूनिट है, याद रखना है। जिस प्रिंटर की DPI ज्यादा होगी वो प्रिंटर अच्छे पेज प्रिंट करेगा, उसकी पेज प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी DPI ज्यादा होने से। अब प्रिंटर की जो मेन टाइप्स है वो दो हैं, ये भी याद रखनी है आपने। कौन कौन सी है वो, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट जो मेन है, फिर इसकी फर्दर टाइप्स वो भी डिस्कस करते हैं। दो किस्म के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर
और नॉन इंपैक्ट फिल्टर। अब इन दोनों का मैं फर्क और दोनों को डिफाइन करता जाता हूं, ये आपने देखना है। तो जो करनी है इंपैक्ट प्रिंटर, इट इज अ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। पुराने प्रिंटर जो होते हैं उनको हम इंपैक्ट कहते हैं, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इट इज अ लेटेस्ट या न्यू टेक्नोलॉजी प्रिंटर। आजकल जो प्रिंटर यूज होते हैं, यूज हो रहे हैं, उनको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में लेते हैं। वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यहां पे अगर बताता हूं मैं। Impact printer, oldest type of printer. These type of printer are very slow. These type of printer are very slow. Their print quality are not much better. अच्छे पेज पर नहीं करते। These type of printer page print in CPS. क्या देखने बात? ये objective में पूछ लेगा CPS. ये जो पेज प्रिंट करते हैं सीपीएस में, करेक्टर पर सेकंड, ये इनका यूनिट है प्रिंटिंग, पेज प्रिंट यूनिट सीपीएस, एक करेक्टर पर सेकंड, मतलब एक एक करेक्टर प्रिंट करते होते थे जो पहले वाले होते थे। करेक्टर कहते हैं हर्फ, जैसे मैंने अहमद लिखना है तो ए एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, फिर एम एक, इस तरह एक एक करेक्टर करके पेज प्रिंट होता था। ये तो बहुत टाइम लग जाता था, बहुत ही स्लो थे, एक एक करेक्टर प्रिंट करते थे। और दूसरा सबसे के ये जो प्रिंटर होते थे, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर मेक मोर मच नॉइस, बहुत ज्यादा आवाज पैदा करते थे, टक 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 टक, इस तरह की आवाजें पैदा होती थी, शोर होता था। आजकल के प्रिंटर ऐसे तो नहीं है। और दूसरी बात, ये जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है अब इसकी मजीद टाइप्स हैं इंपैक्ट की, इंकजेट, सॉरी डॉट मैट्रिक्स, डेसीबी और लाइन। ये जो इसके हैं पुराने थे, आप यूज नहीं होते, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर ये मैं वेरी स्लो, आपने फिक्रे बना के लिखना है, जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट करके वेरी स्लो, मेक मोर मच नॉइस, प्रिंट क्वालिटी आर नॉट बेटर, द स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड इन सीपीएस, देर आर फर्दर थ्री टाइप्स, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेसीबल और लाइन। कल इंशाल्लाह फिर हम इसी को डिस्कस करेंगे, इंपैक्ट और उसके ये जो टाइप्स हैं ये डिस्कस होंगी कि ये कैसे काम करते हैं। इसी तरह नॉन इंपैक्ट है, ये इसका एंटी है, समझ लें, ये ओल्डेस्ट है तो ये लेटेस्ट है न्यू टेक्नोलॉजी प्रिंटर। और इनकी स्पीड भी कैलकुलेट की जाती है पीपीएम में, ये भी याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, पीपीएम पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, मतलब ये जब प्रिंट करते हैं पूरा पेज कट्ठे मिनट्स के हिसाब से,
वो जैसे लगे 1 मिनट में इतना पेज लगा, करते पूरा पेज इकट्ठे हैं। आजकल के प्रिंटर ऐसे है ना, देखिए आप पूरा पेज इकट्ठे प्रिंट हो गया। ये वाले ऐसे नहीं थे, ये एक एक करेक्टर प्रिंट करते थे, करेक्टर करेक्टर करके वर्ड्स 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 मिलके फिर लाइने 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 फिर जाके पेज प्रिंट होता था। ये पूरा पेज इकट्ठे प्रिंट करते, इसलिए फास्ट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रिंटर वेरी फास्ट, देयर प्रिंट क्वालिटी आर मच बेटर। ये अच्छे पेज प्रिंट क्वालिटी जो होती है, पेज प्रिंट क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है, अच्छे पेज प्रिंट करते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज, ये आवाज भी पैदा नहीं करते जैसे ये वाले आवाज पैदा करते थे। और ये भी हम आपको बताते हैं, इधर ये बात बतानी है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी इंपैक्ट में, वो पिंस, व्हील, इंक रिबन, हैमर, हथौड़ा, ऊपर ऐसे लगता था, वो पुराने वाले होते उनमें जो टेक्नोलॉजी। इसमें ऐसे कोई पिंस, हैमर, व्हील नहीं होती थी। इसमें इनके अंदर जो है न्यू वाले में प्रेशर यूज होता है हीट के जरिए, या जो है वो इंक स्प्रे, इंक का हल्का स्प्रे होके पेज प्रिंट होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले। तो ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो गया और ये अच्छे भी है, ये लेटेस्ट जो है। इसका मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेरी फास्ट, बहुत ही तेज होते हैं। इसके अलावा नो नॉइस, कोई आवाज पैदा नहीं करते। प्रिंट क्वालिटी जो है मच बेटर। इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं जो आजकल यूज भी हो रही हैं, जिसमें इंकजेट है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और थर्मल। तीन किस्म के हैं, वैसे और भी होंगे लेकिन हमारे वो जो सिलेबस में ये तीन हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो फिर ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, मतलब ये डिफाइन करें, फिर इसकी जो टाइप्स हैं इनको भी डिस्कस करें। तो ये भी नेक्स्ट हमारे डिस्कस होंगे। मेन दो टाइप्स थी प्रिंटर की, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, पुराने किस्म के, नए किस्म के। ये आजकल यूज नहीं होते, वो ज्यादा यूज हो रहे हैं। ये भी तीन किस्म के हैं, वो भी उसने तीन किस्म के बताए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंटर के जो इंपैक्ट प्रिंटर है उनकी ये जो टाइप्स हैं ये कैसे काम करती है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नेक्स्ट उससे ये होगा कि क्या है और उनकी ये जो टाइप्स हैं ये कैसे काम करती है। फिर इंशाल्लाह ये डिस्कस